हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा चुकी हैं। ये ऐसे रिवीजन वर्क है जो आपको एक बार फिर से रिपीट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 8 × 1 बच्चों, जब किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इट्स सेल्फ नंबर, यानी जो भी नंबर में आप जिस किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर होता है जिसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 8 × 1 = 8। क्वेश्चन नंबर 2, 10 × 7। जिस प्रकार आपने 10 × 7, इसी प्रकार अगर 7 में भी 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, केवल आपके नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, तो इसके एक्सचेंज होने से आंसर सेम रहता है। ओके, जैसे 10 × 7 = 17, इसी तरीके से 7 × 10 = 70। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस 10 है ना। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 2 का मल्टीप्लाई किस में करना है, जैसे 77 में 2 का मल्टीप्लाई है, इसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 77। समझ में, जैसे आपने आप क्वेश्चन नंबर 2 में किया, पहले आपने 10 का मल्टीप्लाई 7 में किया, फिर 7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, तो आंसर इज सेम, हमेशा आंसर सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 10 है, 10 में हम कितने नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 10 ही आ जाए, हाँ यस क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप, हाँ जब किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर होता है। तो अब आप बताएंगे 10 में कितने नंबर का मल्टीप्लाई होना चाहिए, यस 1, तो राइट आंसर 1। इसी प्रकार जब किसी नंबर में चाहे कितने भी लार्जेस्ट नंबर हो या स्मॉलेस्ट नंबर हो, यदि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आंसर ऑलवेज 0 ही आता है ना, हमेशा आंसर कैसे होता है 0, कितने भी किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, 7 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आएगा, यस 7 × 1 = 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आपको बताना है 10 में कितने का मल्टीप्लाई किया गया है कि आंसर 10 आया है, यस 10। 3 × 0, तो सभी बच्चे एक साथ बोले 3 × 0 = 0। तो बच्चों आपको ये समझ में आया, जब किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 0 होता है। तो यहाँ पर आपको 9 का मल्टीप्लाई किस में किया गया कि आंसर 0 है, 0 का। ओके, अब आपको 246 × 1, तो 246 × 1 में 1 का मल्टीप्लाई है, अब आंसर क्या होगा, जब किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर सेम वही नंबर होते हैं ना, तो रखेंगे यहाँ पे 246। इसी प्रकार से 5 × 3, नंबर एक्सचेंज होने पर आंसर सेम रहता है, चाहे हम 5 × 3 करें या 3 × 5। इसी प्रकार 1 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 होगा, यस तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए 5 × 5। 7 में किस नंबर का मल्टीप्लाई होगा, 0, सो राइट हियर 0। 6 × 8 या 8 × 6, बच्चों आंसर बिल्कुल सेम होगा ना, तो यहाँ पर एक साइड 6 × 8 है, तो अदर साइड क्या होगा, 8 × 6। 15 क्वेश्चन को भी आप 14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया है सभी बच्चों को, तो अब आपको इसी वीडियोस के अकॉर्डिंग दी गई एक्सरसाइज वर्कशीट को आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो इन्हें केवल अपनी बुक में ही फिल करना है, इन्हें अपनी नोटबुक में नहीं करना है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।